पेटीएम बैंक के लिए पेटीएम को मिली आरबीआई से मंजूरी। किंगस्टोन ने सीएस 2017 के इवेंट में लॉन्च किया अपने सबसे ज़्यादा स्टोरेज वाले फ्लैश ड्राइव। जोरो इरा 2X में है फिंगरप्रिंट सेंसर, कीमत मात्र 6,666 रुपये। ऑनर 6X 24 जनवरी को हो सकता है भारत में लॉन्च। आसूस ने लॉन्च किया जेनफोन AR और जेनफोन 3 जूम फोन। दुनिया का पहला ऐसा स्मार्टफोन हुआ लॉन्च जो आपके इशारों पर करेगा काम। नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस नए चैनल आरजे टेक्निकल्स पे। तो आइए चलिए शुरू करते हैं आज की टेक न्यूज। तो आज की जो पहली टेक न्यूज है वो है पेटीएम की तरफ से। पेटीएम को मंजूरी मिल चुकी है आरबीआई की तरफ से बैंक खोलने की। जी हाँ दोस्तों, पेटीएम को मंजूरी मिल चुकी है आरबीआई की तरफ से बैंक खोलने की। जिस प्रकार आप अन्य बैंकों में पैसे जमा करवाते थे, आपको डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या फिर चेकबुक और जमा कराए हुए पैसे पे जो इंटरेस्ट मिलता था, वो अब पेटीएम भी आपको वो सुविधाएं देंगी। बैंक खुलने के बाद पेटीएम अपना जो पहला ब्रांच है वो खोल रही है फरवरी को 2017 में नोएडा में। क्या दोस्तों, फरवरी 2017 में नोएडा में अपना पहला ब्रांच जो है पेटीएम स्थापित करेगी। उसके बाद आपको उत्तर प्रदेश या फिर अन्य स्टेटों में पेटीएम के बैंक देखने को मिल सकेंगे। तो अच्छी बात है दोस्तों पेटीएम यूज करने वालों के लिए। जो पहले अपने डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड से पेटीएम वॉलेट में पैसे रखते थे उस पर उनको इंटरेस्ट नहीं मिलता था, या फिर जो दुकानदार पेटीएम सर्विस को चालू किए थे मोदी जी के 2000 के नोट निकालने के बाद या फिर डीमोनेटाइजेशन के बाद, तो उनके लिए भी कुछ अच्छी बातें हैं। जो पेटीएम वॉलेट में उनके पैसे पड़े रहते थे उनमें उनको कुछ नहीं मिलता था, तो अब उनमें उनको इंटरेस्ट भी मिलेगा। तो देखते हैं ये परिसेवा कब तक हमारे राज्यों में आती है। दुनिया का पहला स्मार्टफोन 8GB रैम के साथ लॉन्च हो चुका है। जी हां दोस्तों, आसूस ने दुनिया का पहला स्मार्टफोन जो कि 8GB रैम के साथ है उसे लॉन्च कर दिया है सीईएस 2017 के इवेंट में, यानी कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक शो 2017 के इवेंट में आसूस ने अपना नया जेनफोन AR लॉन्च कर दिया है जो कि 8GB रैम होगा, जिसमें आपको 8GB रैम मिलेगी और 23 मेगापिक्सल का कैमरा मिलेगा। इसमें आपको मिलेगी 5.7 इंच की डिस्प्ले, 821 प्रोसेसर क्वाडकॉम और इसमें Asus Zen UI AR360 ऐप का भी सपोर्ट देगी। जी हां दोस्तों, इसमें आप वर्चुअल रियलिटी का भी सपोर्ट मिलेगा, जैसे कि Lenovo सेट्स में आपको देखने को मिलते हैं VR सेट के। इसमें आप VR सेट लगाकर आप गेमिंग भी खेल सकेंगे, तो अच्छी बात है दोस्तों। हालांकि इसकी प्राइसिंग का अभी तक कोई जानकारी नहीं दी गई है, तो इसकी प्राइसिंग लगभग अंदाजन 40 या 40 से ऊपर ही होगी, क्योंकि इसकी स्पेसिफिकेशन कुछ खास है जो कि 8GB रैम। तो हो सकता है इसकी प्राइसिंग 40 या फिर 1 लाख समथिंग हो सके। तो देखते हैं प्राइसिंग कब लॉन्च की जाएगी। Asus ने Zenfone 3 Zoom लॉन्च कर दिया है। जी हां दोस्तों, Asus ने Zenfone 3 Zoom लॉन्च कर दिया है। इसमें आपको देखने को मिला 5000 mAh की बैटरी। जी हां दोस्तों, इसकी खासियत है 5000 mAh बैटरी। इसमें आपको 13 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा देखने को मिलेगा, 5.5 इंच फुल HD का स्क्रीन होगा। इसमें आपको दो रियर कैमरा देखने को मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, दो रियर कैमरा दोनों ही 12 मेगापिक्सल की होगी। एक में आपको सोनी का सेंसर मिलेगा, एक में आपको जूम वाला फीचर्स मिलेगा। स्नैपड्रैगन का 625 प्रोसेसर होगा, 4GB की रैम होगी और 128GB की इंटरनल मेमोरी होगी। जी हाँ दोस्तों, 128GB इंटरनल मेमोरी होगी और ये आपको 6.0 मार्शमेलो पे मिलेगा। तो नोगट अभी तक रिलीज हो चुका है, पर 6.0 हो सकता है Asus इसमें अपडेट दे 7.0 नोगट का, तो देखते हैं। हालांकि इसकी प्राइसिंग की कोई अभी तक जानकारी नहीं दी गई है, तो लगभग अंदाजन लगभग 23-24 हज़ार रुपया पड़ सकता है आपके इस फोन। तो अगर आप इस फोन के लिए वेट करना चाहते हैं तो वेट कर लीजिए, क्योंकि कुछ ही महीनों के अंदर ये फोन आपको देखने को मार्केट में मिल सकता है, ऑनलाइन मार्केट या फिर ऑफलाइन मार्केट में देखने को मिल सकता है। तो देखते हैं ये फोन कब तक मार्केट में आता है।
जोरो ने अपना एक नया फोन लॉन्च किया है। जी हाँ दोस्तों, जोरो ने अपना एक नया फोन लॉन्च किया है, जोरो एरा 2X। इसमें आपको फिंगरप्रिंट स्कैनर देखने को मिलेगा। कीमत की माने तो 6,666 रुपए है। जी हाँ दोस्तों, 6,666 रुपए, लगभग 6,500 रुपए इसकी कीमत होगी। रैम के आधार पर इसके दो वेरिएंट निकाले गए हैं। जी हाँ दोस्तों, रैम के आधार पर इसके दो वेरिएंट है। पहला वेरिएंट जो है 2GB रैम वाला, वो आपको मिलेगा 6,666 रुपए में, और दूसरा वेरिएंट जो कि आपको 3GB रैम वाला, इसके लिए प्राइसिंग होगी 7,499 रुपए। यहाँ दोस्तों, पहला वेरिएंट जो कि आपको लगभग 6,500 से ऊपर का मिलेगा, और जो दूसरा वेरिएंट है वो आपको 7,500 रुपए में मिलेगा। तो आइए चलिए डालते हैं एक नजर इसके कुछ फीचर्स पे। इसमें आपको 5 इंच की स्क्रीन मिलेगी, मीडियाटेक का प्रोसेसर मिलेगा, 16GB की इंटरनल मेमोरी मिलेगी, 6.0 मास्पेलो पे चलेगा, 8MP का रियर कैमरा मिलेगा, 2500mAh की बैटरी मिलेगी। तो कम बजट में फोन लगभग ठीक ठाक है, तो अगर आपको चाहिए तो आप ले सकते हैं। जल्दी ये फ्लिपकार्ट पे देखने को मिलेगा। ऑनर 6S 24 जनवरी को हो सकता है भारत में लॉन्च। जी हाँ दोस्तों, ऑनर 6S 24 जनवरी को हो सकता है भारत में लॉन्च। कंपनी ने ईमेल के माध्यम से बताया है मीडिया वालों को कि 24 जनवरी को भारत में हो सकता है लॉन्च ऑनर 6X का। इसमें आपको दो वेरिएंट देखने को मिलेंगे। पहला वेरिएंट जो होगा 3GB रैम 32GB स्टोरेज, दूसरा वेरिएंट होगा 4GB रैम 64GB स्टोरेज। इसमें आपको 5.5 इंच की फुल एचडी डिस्प्ले देखने को मिल सकती है, जो कि 2.5 कर्व्ड IPS डिस्प्ले होगी। जी हाँ दोस्तों, इसमें आपको 2.5 कर्व्ड IPS डिस्प्ले दी जाएगी। इसमें आपको बैटरी 3340mAh की देखने को मिलेगी। 8MP का फ्रंट कैमरा होगा, 12MP का रियर कैमरा होगा, 32GB 64GB स्टोरेज होगी, 3GB 4GB की रैम होगी, एंड्रॉइड 6.0 मास्पेलो पे चलेगा। तो अगर आपको ऑनर का फोन पसंद है तो आप ले सकते हैं इसको। 24 जनवरी के बाद हो सकता है भारत में लॉन्च हो जाए, क्योंकि कंपनी ने मेल किया है, तो हो सकता है भारत में ये लॉन्च हो सकती है। चीनी कंपनी हुआवे ने अपना नया स्मार्टफोन हुआवे मेट 9 को लॉन्च कर दिया है। जी हाँ दोस्तों, हुआवे मेट 9 लॉन्च हो चुका है, जो कि कहा जा रहा है दुनिया का यह पहला स्मार्टफोन होगा जो कि आपके इशारों में काम। इसकी कीमत लगभग भारत में 40,000 रुपए हो सकती है। इसमें आपको हुआवे किरिन 960 ऑक्टा कोर प्रोसेसर देखने को मिलेगी। इस डिस्प्ले 5.9 इंच फुल एचडी डिस्प्ले होगी। ऑपरेटिंग सिस्टम एंड्रॉइड 7 पर चलेगा। रैम होगी 4GB की, इंटरनल स्टोरेज होगी 64GB की। इसको आप माइक्रो एचडी के द्वारा एक्सपेंड भी कर पाएंगे। डुअल कैमरा होगा 12MP का, फ्रंट कैमरा होगा 8MP का, बैटरी होगी 4000mAh की। कहा जा रहा है कि यह फोन आपके इशारों पर काम करेगी। जी हाँ दोस्तों, आप जैसे उसको कमेंट देंगी कि मेरे फेवरेट सॉन्ग चलाओ, तो वो आपके फेवरेट सॉन्ग्स को चला देंगी आपके हिसाब से, जो आप फेवरेट सॉन्ग्स आप सुनते रहते हैं हमेशा। हाँ, और ये आपको रोज सुबह अलार्म लगा कर उठा भी देगी अगर आप कहेंगे इसको तो। और अगर यह आपको न्यूज़ चाहिए तो आप इससे न्यूज़ भी रीड करवा सकते हैं, आपको पढ़ना नहीं होगा। तो इस कुछ फीचर्स को बोला जा रहा है, तो देखते हैं ये फीचर्स इसमें कैसे आते हैं, ये तो इसके लॉन्च होने के बाद ही पता चलेगा। CES 2017 में किंगस्टोन ने अपने सबसे बड़े फ्लैश ड्राइव को लॉन्च कर दिया है। जी हाँ दोस्तों, किंगस्टोन ने अपने सबसे बड़े फ्लैश ड्राइव को लॉन्च किया है। मतलब बड़े, मतलब इतने बड़े नहीं, बड़े स्टोरेज वाला फ्लैश ड्राइव। जी हाँ दोस्तों, बड़े स्टोरेज वाला फ्लैश ड्राइव, जिसे किंगस्टोन ने नाम दिया अनलिमिटेड GB फ्लैश ड्राइव। तो अनलिमिटेड GB फ्लैश ड्राइव में आपको 1TB और 2TB का फ्लैश ड्राइव देखने को मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, 1TB और 2TB, जो कि हम लोग पहले सुनते आ रहे थे हार्ड डिस्क सिर्फ 1TB और 2TB का होता है, पर अब आपको इतने छोटे साइज में फ्लैश ड्राइव में भी 1TB और 2TB की देखने को मिलेगा। हालांकि किंगस्टोन ने इसके प्राइसिंग का अभी तक कोई खुलासा नहीं किया है, तो देखते हैं इसकी प्राइसिंग क्या होती है। जैसे कि हमको 1TB की हार्ड डिस्क लगभग 5,000 से 4,000 में मिल जाती है, और 2TB फ्लैश हार्ड डिस्क हमको लगभग 6,000 से 7,000 में मिल जाती है। तो किंगस्टोन हो सकता है फ्लैश ड्राइव की दाम थोड़ी ज्यादा हो, तो ज्यादा होने से क्या आपको जस्ट इतना सा फ्लैश ड्राइव देखने को मिलेगा, बल्कि हार्ड डिस्क होता था करीब इतना, जिसको लेकर आपको कहीं भी ट्रेवल करने में बहुत ही सुविधाजनक होती थी। तो फ्लैश ड्राइव रहेगा, आप गले में उसको झुला भी पाएंगे और या फिर पॉकेट में कहीं रख भी पाएंगे। और
कंपनी का दावा है कि ये फास्ट ट्रांसफर करेगा और इसमें आपको फुल मेटल बॉडी मिलती है। जी हाँ दोस्तों, इसमें आपको फुल मेटल बॉडी मिलती है। कंपनी का दावा है कि ये अगर गिर भी जाए तो इसकी डेटा इरेज नहीं होगी या फिर किसी प्रकार की इसकी क्षति नहीं होगी डेटा में आपको। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो जरूर से जरूर लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि मैं रोज ऐसे ही आपके लिए टेक से जुड़ी वीडियोस लाता रहूंगा।